हम तुम लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं। किसी भी चीज़ के लिए तुम रात भर जगे हो कभी? किसी भी चीज़ के लिए, अब वो चीज़ कोई भी हो सकती है, चीज़ ही हो सकती है। चीज़ का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि कोनो खिलौना गट्टा तुम्हें दीपावली में खबा रहे हैं हम। चीज़ का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें चाहिए हो, या कुछ भी ऐसी आ गया हो टाइम जो तुम्हें नहीं कट रहा हो, जिसकी वजह से तुम रात भर जग रहे हो। पहला रीज़न तो हो सकता है भैया कि तुम्हें आस की चढ़ी है, मतलब प्रेम मोहब्बत में किसी की याद आ रही, तुम रात भर जग रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी, तो साले तुम लोग चौड़े आके सोते हो, खैर वो तो कोई टेंशन है नहीं। मेन काम लड़की का होता है कि लड़की की वजह से रात भर जग रहे हो। अब अगर उसकी वजह से रात भर जग रहे हो, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है तुम उसको पाना चाहते हो बड़ी शिद्दत के साथ, क्योंकि अगर वो रात में 4 बजे भी फ़ोन करते तुम पहुँच जाओगे कि हम आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम रात भर किसी भी चीज़ के लिए जगते हो, इसका मतलब तुम उसको बुरी तरीके से पाना चाहते हो, बुरी तरीके से। तो अगर तुम्हें रात में सोते समय नींद सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि मेरा सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है, रात में नींद तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि मेरा 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, मेरी तैयारी अभी हो नहीं पाई है, रात में नींद तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं आ रही कि यार ये टॉपिक मेरी बुद्धि में चढ़ क्यों नहीं रहा है, यकीन मानो तुम एकदम परफेक्ट ट्रैक पर चल रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पर हो, इससे भटकना नहीं। अगर तुम्हारी रात की नींद सिर्फ इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, इसलिए ख़राब हो रही है कि तुम्हारी उतनी पढ़ाई उतनी एफिशिएंट नहीं हो पा रही, उतनी एफिशिएंसी से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, यू आर ऑन राइट ट्रैक, एकदम बेहतरीन ट्रैक पे हो, क्योंकि हर एक ब्यूटीफुल जर्नी इसी ट्रैक से होकर गुजरेगी। क्योंकि अगर कोई चीज़, वो लाइन बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें चाहिए तो वो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगी। आज की अगर तुम्हें किसी लड़की से इतना प्रेम है, नहीं सोगे रात भर तुम नहीं सोगे, तुम मरते रहोगे कि कैसे बात हो जाए या फिर मिल आए जाके एक बार, ये सबके साथ होता है। और यही अगर तुम्हारा पढ़ाई के साथ होने लगा, अगर मान लो तुम्हें किसी भी जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो तुम उसके लिए तुम सोचने लगे, या फिर जो तुम सिलेबस पढ़ रहे हो उसके लिए तुम सोचने लगे कि ये साला हमसे हो क्यों नहीं रहा है, यकीन मानो तुम बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक पे हो। और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अब चीज़ें ऑनलाइन ऑन हो जाएंगी, मतलब कि सब चीज़ें तुम्हारे पक्ष में आने वाली हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से अगर कोई भी चीज़ रात को जगा रही है, ये समझ लो वो चीज़ें जो रात में तुम्हें जगा रही हैं वो तुम्हें लाइफ टाइम सोने नहीं देंगी जब तक मिल नहीं जाएंगी। मतलब अगर तुम किसी लड़की के लिए रात भर जग रहे हो और रात में सपने में भी सोच रहे हो तब भी तुम्हारी नींद खुल जा रही है, यकीन मानो अगर वो लड़की नहीं मिली तो तुम जिंदगी भर के लिए तबाह हो चुके हो, ठीक है। इसी तरीके से कोई नौकरी है जिसके लिए तुम रात भर नहीं सो पा रहे हो कि यार ये नौकरी तुम्हें चाहिए किसी भी हालत में, तो अगर वो नौकरी नहीं मिलती है तो समझ लो तुम्हारी रातों की नींदें गायब है। और इस चक्कर में लोग पढ़ाई ज़्यादा कर ले जाते हैं। तो अगर जिनकी लाइफ में ये वो सो रहे हैं और आराम से चिल मार के सो रहे हैं 10 घंटा 12 घंटा, उसके बाद उठ रहे हैं बिना किसी टेंशन के, यकीन मानो तुम्हारा गोल उतना तगड़ा है नहीं, तुम्हारा एम उतना तगड़ा है नहीं, उसमें दम है नहीं। अगर तुम सुकून से सो के 12 घंटे की नींद मार के आराम से उठ रहे हो, नहीं है तुम्हारा ड्रीम अच्छा। देखो हम जो चीज़ें अपना खुद करते हैं, हम एक्सपीरियंस बताते हैं, हम भी इस चैनल पे वीडियोस बनाते हैं, 1000 वीडियोस की चुल मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई, हमें भी नहीं पता है, लेकिन जब भी हम सो रहे होते हैं मेरी अचानक आँख खुलती है कि यार वीडियो बनाने, आज के वीडियो पड़े नहीं, हम तुरंत कमरे में आते हैं, कैमरा चालू करते हैं, शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए जो रात में तुम्हें जगाए, वरना नहीं मिलना है कुछ यार, नॉर्मल ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, सीधी बात ये समझ लो। राम राम, जय हिंद।